टूरिस्ट इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और मेरे साथ आ गए हैं दोनों कालू, आज आप देख रहे हैं शानदार देसी पिल्ले। हेलो, पहले इसको बिछा दें, इनको कपड़ा चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं, पहले इनको पिला दिया जाए, दूध पीजिए। अरे ये भूखा है, बड़े ही शांत और क्यूट हैं दोनों पिल्ले। और आप देख रहे हैं कि बड़े शांति से बैठे रहते, बेचारे ज़्यादा पों पों नहीं करते हैं। और अभी तो जैसे डरे हुए हैं, इसलिए मैंने दो को लाया। पहले अकेले आता थे, चिल्लाते थे। और इनको कालू को आज लो पी लो भाई। अच्छा छोड़ो, अब तुम यहां बैठो, मुंह पोंछ लो पहले। तुम यहां पियो, तो शुरू करते हैं भाई। एक भारतीय पिल्ला, परिया पिल्ला क्या खिलाना चाहिए? तो सबसे पहले इनके खाने में पहले सप्ताह पिल्लों को हर 2-3 घंटे में खिलाएं, और दूसरे सप्ताह हर 3 घंटे में खिलाएं, और तीसरे सप्ताह 3 से 4 घंटे, और चौथे सप्ताह निर्भर करता है कि दिन में 4-5 बार, मतलब घंटे नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण है, वे पेशाब या शौच करने में असमर्थ हैं, इसलिए एक कपास की गेंद यानी कपास की थोड़ी सी रुई लिया उपयोग करें और इसे गुनगुने पानी से गीला कर दें। फिर धीरे से गुदा और जननांग क्षेत्र पे इनके जो है रगड़ें। 1 या 2 मिनट के भीतर वो पेशाब या मलत्याग कर देगा। और इस तरह का कर्तव्य आमतौर पर अपनी माँ के द्वारा संवारने या चाटने से किया जाता है। तो 3 सप्ताह बाद आप इस क्रिया को रोक सकते हैं। और स्लीपिंग के लिए एक गत्ते का बक्से का उपयोग करके उनके बिस्तर के रूप में करें, और बॉक्स के अंदर गर्म कपड़े जैसे सूती रखें, और उसके बाद पिल्लों को अंदर रखें ताकि वे आराम से सोएं, और बॉक्स को बाहर ना रखें। इसे अच्छी तरह हवादार कमरे में रखें जिससे घूमने के लिए कम जगह हो। और फिर इनकी एक्सरसाइज के लिए जो है उन्हें 5 मिनट तक चलने दौड़ने के लिए उन्हें दौड़ाएँ उन्हें, और ज़बरदस्ती ना करें, उन्हें अपने आप से खुद करने दें। नहलाना कब है इनको? तो 3 हफ्ते के बाद गुनगुने पानी से जो है आपको नहला सकते हैं, और 1 महीने बाद सामान्य नल के पानी से भी आप नहा सकते हैं ताकि धूप भी दिखाएं। और टिश्यू या पिशू में जो है नोटिक्स पाउडर जो है इन पे लगा के प्रयोग करें। और सबसे पहले तो पिल्ले इस पे चढ़ सकते हैं और दूर भागेंगे, और पर पिस्सू के मरने के बाद वे ठीक हो जाएंगे, तो मतलब उससे थोड़ा दूर भागेंगे पाउडर जब लगाओगे। और उनके आँखों के संपर्क में आने से उन्हें बचाएँ, और धीरे धीरे उनके चेहरे पर लगाएँ। अब वहीं बात की जाए इनके खाने के बारे में। तो खाने में गुनगुना दूध जो है, गुनगुना पानी, दूध में डूबा हुआ बिस्किट, पेडिग्री या 8 घंटे के बाद सूप का उपयोग न करें, जिससे सूप जो है खट्टा होने पर पेट में जलन हो सकती है, और इसलिए कि इसे एक बार में ही इस्तेमाल करें। और बोतल से दूध पिलाना सबसे अच्छा तरीका है, और जिससे आप जिसको आपको पालन करना है। और सुनिश्चित करें कि छेद जो है इसका निप्पल वो थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं तो इनके मुंह से हो जाता है पर निकलने लगता है। तो आप उंगली का भी उपयोग कर सकते हैं, पर ऐसा मत करिए, ड्रॉपर का उपयोग करें। और फिर इन पिल्लों के मुंह पर रखें, लेकिन इसके सिफारिश नहीं करूँगा, और मतलब ड्रॉपर से ही पिलाएं, ज़्यादा अच्छा है। और 2 सप्ताह बाद सॉफ्ट बिस्कुट या ठोस भोजन जो है मसला हुआ चावल उसमें दूध मिलाकर दिया जा सकता है। रोटी मत दो। 2 सप्ताह बाद बोतल से दूध पिलाना बंद कर दें, और उन्हें खिलाने के लिए एक कटोरी का उपयोग करें। और 4th सप्ताह में किसी भी प्रकार का सुपाच्य भोजन जो है दिया जा सकता है,
चूंकि वे ये जो है महीने के, अब जो है एक महीने के हो गए हैं, अब आप किसी भी प्रकार का सुपाच्य भोजन दे सकते हैं। दो महीने तक तो पूरा चलते चलता है, सेरेलेक भी दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इनके साथ काफ़ी कठोर ना हो, हार्ड ना हो, और क्योंकि वे आपको यह सोचकर काट सकते हैं कि आप उनकी माँ हैं, और कोई भी दूसरा मूल्यवान वस्तु उनके सामने ना रखें, वो भी ये ख़राब कर सकते हैं। दो सप्ताह तक धैर्य रखें, 8 सप्ताह की उम्र से पहले पिल्ला टीकाकरण करवाएं। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमार या स्वस्थ के स्वास्थ्य या संकेतों के लिए मूत्र और मल जो है, मल मूत्र जो है हल्का पीला स्पष्ट होना चाहिए। यदि गहरा पीला और नारंगी है तो पिल्ला को पर्याप्त नहीं खिलाया जा रहा है, और एक बार में अधिक ना खिलाएं, बल्कि अधिक बार खिलाएं। मल हल्के से गहरे भूरे रंग का और आंशिक रूप से होना चाहिए। हरा मल संक्रमण का संकेत देता है। अब वहीं इनकी उल्टी की बात की जाए तो यदि पिल्ला उल्टी करना जारी रखता है और उल्टी दस्त होता है, तो विशेषकर यदि यह खूनी है जो पर्वों के साथ बहुत संगत है, बुरा लगता है। सुस्त भोजन से बाहर यदि है तो बिल्कुल अपने पशु चिकित्सक के संपर्क करें और उन्हें अपने पिल्ला की जांच करवाएं। यदि आपका कुत्ता उज्ज्वल और सतर्क है और केवल एक बार में उल्टी करता है तो शायद अपने पशु चिकित्सक को फ़ोन करना जरूरी है, जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कई कुत्ते घास खाने के बाद भी उल्टी कर देते हैं, तो यदि आपका कुत्ता एक से अधिक बार उल्टी करता है या बीमार लगता है तो अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं। उल्टी कितनी गंभीर है यह कितने निर्धारित करने के लिए आपका पशु चिकित्सक आपसे कई प्रश्न पूछेगा, और आपके पशु चिकित्सक के लिए यह जानना उपयोगी होगा कि उल्टी कब हुई और आपके कुत्ते ने कितनी बार उल्टी की, उल्टी कैसी दिखती है, और यदि आपका कुत्ता असहज है यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा मतलब होता है कि इनके बारे में बहुत सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो बेजुबान है, बता नहीं सकते हैं, तो इनको पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी, जैसे एक छोटे बच्चे को केयर करते हैं। अब आती है कि परिया डाग, एक जो है ये परिया डाग हैं, ये सर्वहारी होते हैं। ये बहुत छोटे पिल्ले को दूध दिया जा सकता है, लेकिन बड़े होने पर उसे अन्य भोजन की आवश्यकता होती है। साथ ही कुत्ते सर्वहारी होते हैं और उन्हें अपने आहार में मांस प्रोटीन की आवश्यकता होती है। केवल चपाती ही पर्याप्त नहीं है, तो इसे मांस आधारित आहार देना शुरू करें। धीरे धीरे पैकेज डाइट में बदलाव करें, और फिर भी आपको इस विधि आहार देने की ज़रूरत है तो कुत्ते का पैक खाना मांस पसंद नहीं है, लेकिन आप उन्हें कुत्ते को इनमें से किसी एक को खिलाने के लिए राज़ी करना होगा। तो पेडिग्री जो है, जैसे कि पैक किए गए खाद्य पदार्थ पिल्ला को ठोस भोजन में बदलने में मदद करते हैं। अगर पैसों की तंगी है यानी बजट कम है, तो आप थोड़े से पानी में मुट्ठी भर कुत्ते के खाने के जो है आप पेडिग्री को भिगो कर उसे दे सकते हैं। उसे मसल कर उस उबले हुए चावल में मिला दें, इससे पिल्ले बहुत चाव से खाते हैं। और जैसे जैसे आप भोजन अंतराल को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उनकी मदद करते हैं। बाजार में शाकाहारी कुत्ते का खाना भी उपलब्ध होता है। आप पिल्ला को सामान्य बिस्कुट भी दे सकते हैं, बस यह सुनिश्चित करें कि बिस्कुट में चीनी और नमक की मात्रा कम से कम हो। आप मेरे बिस्कुट भी खिला सकते हैं, रोटी भी खिला सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इनमें से किसी एक से चिपके नहीं। जैसे पिल्ला बड़ा होता है, आम पिल्ला को उबली और मैश की हुई सब्जियां खिला सकते हैं। गोभी, गाजर, बीन्स और आलू जैसी आम घरेलू सब्जियां कुत्तों के लिए पौष्टिक होती हैं, और उन्हें मैश भी कर सकते हैं, और चावल के साथ साथ इसे मिलाकर खिला सकते हैं और पिल्ला को परोस सकते हैं। अगर सब्जियों को उबली हुई दालों के साथ वैकल्पिक भी कर सकते हैं। पिल्ला को कभी भी गर्म भोजन ना दें। पिल्ले युवा होने पर मालिकों के साथ घनिष्ठता संबंध स्थापित करते हैं, और इसलिए जितना हो सके पिल्ले के साथ समय बिताएं। जहां चाहो सो जाने दो, और पहले कुछ दिनों में यह पता लग जाएगा कि कहां शौच करना है, पेशाब करना है, और आपको किसी विशेष स्थान पर उपयोग करने के लिए इसकी आवश्यकता है। तो यह तब होता है जब आप इसे दिखाते हैं कि इसे कहाँ पेशाब करना है और बाथरूम करना है, तो इसके उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण भी आप कर सकते हैं, प्रशिक्षित भी इसे कर सकते हैं। तो आपका पिल्ला सामान वगैरह काटना चबाना चाहेगा जो आपके घर में रखा हो, तो आदर्श रूप से तो पिल्ला बिस्कुट और उसे इस भावनाओं से देने की, ताकि वो दबाएं उस चीज़ को, मदद करेगा और कम से कम उसके दांतों को थोड़ा सा कुंद करेगा, और उसे एक या दो चबाने वाला खिलौना दें। अगर कुत्तों को दूध से एलर्जी होती है तो कुत्ते लैक्टोज
जो है असहिष्णु यानी इंटॉलरेंस, यदि आप अपने पिल्ला को ढीले या मल या पाते हुए देखते हैं तो आप उसे दूध पिलाना बंद कर सकते हैं। उस स्थिति में अन्य विकल्पों के लिए जाएं और पिल्लों को दूध, बिस्कुट और पेडिग्री खिलाना बहुत आसान है, लेकिन पौष्टिक किफ़ायती नहीं है। आप उन्हें चावल के साथ सब्जियों के दालों, चिकन, मटन का एक स्थिर आहार खिला सकते हैं। कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं और हम पेडिग्री का उपयोग करते हैं। सस्ता विकल्प है कि अच्छी गुणवत्ता के नहीं है और तुलनात्मक गुणवत्ता वाले वास्तव में महंगे होते हैं, तो ये इनकी एक खासियत है। तो ये इनके बारे में कुछ खास जानकारी रही। कैसी लगी आपको जानकारी? क्यों जो बोल दो, जानकारी कैसी रही पूछ लो। अच्छी थी, ध्यान रखना, हमारा भी ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ढिंग चिकन ढिंग 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 चिकन ढिंग। हाँ हाँ, तुम भी दो भाई, भाई गले मिल लो, भाई 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 गले मिल लो, ऐसे हाँ ऐसे गले मिल लो, भाई भाई गले मिल रहे हैं, देखिए जरा, भाई भाई गले मिल रहे हैं। हाई सर, है छे हाई छे, लो पी लो, तोरा जो पियो यार।